أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلباء میں آپ کا ٹیچر منظور شہزاد اور آج چوتھا لیکچر 10th کلاس کا ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور یونٹ نمبر 2 اس کا بقیہ حصہ جیسے کہ میں نے لیکچر نمبر 3 میں آپ سے کہا تھا کہ اس کا بقیہ حصہ آپ کو لیکچر نمبر 4 میں ملے گا تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز और बकिया लेसन की ट्रांसलेशन देखिए जरा चाइनीज न्यू ईयर चीनियों का नया साल वर्ड्स मीनिंग्स ईव इवेंट से है मौका विजिट मिलने जाना रिलेटिव्स रिश्तेदार या रिश्तेदारों पार्टी हिस्सा लेना स्पेसिफिक मखसूस सर्व पेश करना खिदमत करना टिपिकल मखसूस प्रॉस्पेरिटी खुशहाली लॉन्ग लास्टिंग देर पा लंबी उम्र पाना पैराग्राफ नंबर 5 और 6 के बाद मीनिंग इकट्ठे आपके सामने लिखें ट्रेडिशनल रिवायती प्रैक्टिस अमल एडर्ट्स बुजुर्ग बड़े एनवेलप्स लिफाफे सिंबलाइज अलामत होना एल्डर्स बड़े प्रेजेंट पेश करना अंटिल जब तक के रेसिपिएंट वसूल करने वाला जोड़े एक रास चक्कर ये 12 साल का एक चक्कर होता है मीन जिसमें हमारे जनवरी फरवरी है उन्होंने 12 जानवरों के नाम पे एक रास चक्कर बनाया हुआ है जोड़े एक रिप्रेजेंट पेश करना प्रीवियस पिछले गुल्लक खुशकिस्मती एक्सेप्ट कबूल करना कुछ इसे एक्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं नहीं एक्सेप्ट कबूल करना नहीं कबूल करना फिनिश खत्म करना एक्सीडेंटली इत्तेफाकन हादसाती तौर पर अलाउ इजाजत देना गुड फॉर्च्यून खुशकिस्मती एसोसिएशन वापसी ताल्लुक बिलीव यकीन करना पर्टिकुलर खास मखसूस ट्रेट्स मीन्स एबिलिटीज खसूसिया लास्ट पैराग्राफ पैराग्राफ नंबर 7 टुगेदर इकट्ठे थैंक्स शुक्रिया रीइनविगोरेट असली नौ ताकतवर बनाना नए सिरे से ताकतवर बनाना स्पेलिंग याद करने का तरीका ये होगा कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं मीन्स थोड़ी लेंथी होते हैं इनके आप सिलेबस बना लिया करें या नहीजे बना लिया करें रीन विगो रेट आर आई एन रीन वी आई जी ओ विगो आर एच ई रेट रीन विगो रेट स्पेलिंग याद करना भी एक फन है स्पेलिंग याद करने का तरीका भी आप लोगों को जो है वो आना चाहिए कि स्पेलिंग को याद कैसे करना है और बस बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर मुझे स्पेलिंग याद नहीं होते उसकी वजह ये होती है कि हर चीज की प्रैक्टिस होती है जिस तरह आप एक क्रिकेट खेलते हैं आप अच्छी आप बॉलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है इसी तरह स्पेलिंग याद करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है जितने आप स्पेलिंग याद करते जाएंगे आपकी जो याददाश्त मसल्स हैं वो तेज होते जाएंगे और आपकी जो एबिलिटी है याद करने की वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी अब आप अपने बुक के पेज नंबर 17 पर तशरीफ ले आए पेज नंबर 17 पर और यहां पर आपका पैराग्राफ नंबर होगा 4 तो यहां पर थोड़ा देखिएगा दूसरा बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपकी बुक यूं बिल्कुल खाली होनी चाहिए इसके ऊपर किसी किस्म के मीनिंग्स नहीं लिखे होने चाहिए अदरवाइज ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा वक्ती तौर पर आप देख कर सुना देंगे लेकिन आपको उसके मीनिंग्स याद नहीं होंगे वो बच्चे जो जुबानी मीनिंग्स याद करेंगे उनकी जीत होगी उनकी फतह होगी और तादेर उनको याद भी रहेगा देखिएगा जरा पैराग्राफ नंबर 4 न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल की शाम का खाना ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर
चीनियों के नए साल के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाने और रात के एक बड़े खाने में शिरकत करने का रिवाज है, जहां बड़ी तादाद में मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। नए साल की शाम के खाने में चीनी खानदानों के लिए 8 से 9 खाने पकाने का रिवाज है। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज 9 का मतलब है लंबी उम्र पाना, तवील उम्र पाना। ओके, आगे देखिएगा पैराग्राफ नंबर 5 है, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तहफ देना। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर्स। ये बुजुर्गों के लिए रिवाज है छोटे बच्चों को सुर्ख लिफाफे देने का, जो रकम से भरे होते हैं, जो आने वाले साल के लिए दौलतमंदी और खुशहाली की अलामत है। इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमेरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये भी बुजुर्गों के लिए रिवाज है कि घराने के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए, यानी एक पर्दे में उसको जो भी उस लिफाफे के अंदर जो रकम मिली है पर्दे के अंदर उन्होंने दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उधर लिफाफा खोल कहें कि ये तो थोड़े हैं, ऐसा नहीं करना। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 देखिएगा, ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को इज्जत देना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। हर साल चीनी रास चक्कर के मुताबिक हर साल 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ जुड़ा होता है। हर साल चीनी रास चक्कर के मुताबिक 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ जुड़ा होता है, यानी 12 सालों का एक वो बनाते हैं नक्शा, उसे ब्रूज का नक्शा भी कहते हैं, रास चक्कर भी कहते हैं। वो 12 साल का बनाते हैं और हर साल जो है मखसूस जानवर के साथ जुड़ा होता है। चूहे का साल है, शेर का साल है, चीते का साल है, ये तो उन्होंने बाकायदा उसका बनाया हुआ। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस। इन जानवरों की अक्सर आरायशों में नुमाइश की जाती है। जिस जानवर का साल होता है ना, उस जानवर के बड़े बड़े पोस्टर्स और बड़ी बड़ी तस्वीर और बड़े बड़े उन्होंने जो है अपने चौकों के अंदर जो है वो लकड़ी से सीमेंट से बनाकर जो है वो लगाए होते हैं। सम पीपल बिलीव दैट दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो लोग जो किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल। हो सकता है कि उस इंसान में उस जानवर की खूबियां पाई जाए, यानी एक इंसान है वो चूहे के साल में पैदा हुए, हो सकता है कि उसमें चूहे जैसी खूबियां पाई जाए। एक है जो शेर के चीते के साल में पैदा हुआ है, हो सकता है उसमें चीते जैसी खूबियां जो है वो पाई जाए। ये चीनी लोगों का अकीदा है। लास्ट पैराग्राफ नंबर 7, पेज नंबर 18 पर आप तशरीफ ले आएंगे, देखिएगा जरा। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर। चीनियों का नया साल वो वक्त है जब खानदान वालों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट इज पास्ट, उस साल का शुक्राना अदा करने के लिए जो गुजर गया। चीनियों का नया साल वो वक्त है जब खानदान वालों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, उस साल का शुक्राना अदा करने के लिए जो गुजर गया, एंड रीइन्विगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर्स, और खुद को
आने वाले साल के लिए अस्तर नौ ताकतवर बनाने हैं, यानी एक नए सिरे से खुद को ताकतवर बनाने हैं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4। आपने ये आज आपका लेसन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्ड्स मीनिंग्स को सुने, ट्रांसलेशन को बार बार सुने, इसको याद करें। और 10th क्लास का प्रॉब्लम ये है, इसमें जो आपका पेपर होगा उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ दिया जाता है, सिर्फ एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी की आपने ट्रांसलेशन करना होती है, देयर इज नो चॉइस। इसलिए आपको जो ट्रांसलेशन है इसके ऊपर आपने पूरी तरह फोकस करना होगा। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेशन समरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने टीचर मंजूर शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।